नमस्कार, आप देख रहे हैं पीटॉप न्यूज और हम इस समय मौजूद है सुल्तानपुर में। और हमारे साथ जो शख्स मौजूद हैं, ये बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी हैं घोसी विधानसभा से। आइए हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं सर, ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिन पे आप चुनाव लड़ रहे हैं इस बार का? हमारा टोटल मुद्दा विकास कार्य का, साथियों विकास के कार्य पे हम अपना मुद्दा बना के चुनाव लड़ रहे हैं। योगी जी आज भाषण दे रहे थे गोपागंज में, उन्होंने कहा है कि सपा और बसपा ने बस बाउंड्री कब्रिस्तान घिरवाने का काम किया है, हमारी सरकार बनेगी तो हम विकास करेंगे। अरे 5 साल माननीय आदित्यनाथ योगी जी सरकार में रहे हैं, उनका विकास आप लोगों को नहीं मालूम है कि कितना काम किया है? पहले कहा कि जून से पहले जो है सभी खड्डा मुक्त हो जाएंगे, आपको नहीं मालूम है कितना खड्डा मुक्त किया है? खड्डा मुक्त सड़कें अभी हुई नहीं है, रीजन क्या रहा है यहाँ से? सब पैसा लूट लिए तो कहाँ से काम करेंगे? वसीम इकबाल को अगर यहाँ से प्रत्याशी जीत कर अगर वो जाते हैं सदन में, तो कौन सा ऐसा मुद्दा है जिस पर वो काम करना चाहेंगे? हमारे पास काम की कमी है, सड़क बनवाएंगे, नाली की पानी की व्यवस्था कराएंगे, बिजली की व्यवस्था दुरुस्त कराया जाएगा, अब अगर स्वास्थ्य विभाग को देखा जाएगा, अब बच्चों की शिक्षा पे जोर दिया जाएगा। 2 साल से तो बच्चों की आदित्यनाथ योगी जी ने तो पढ़ाई ले लिया, आप नहीं जानते हैं? जानते हैं कि नहीं जानते हैं? बोलिए कि हाँ बोल जी। पर वो तो कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास हम कर ही रहे हैं, दिक्कत कहाँ आ रही है? आप लोग जिला और जिला से बाहर मंडल भी देखते होंगे, कितना विकास किया आपको नहीं मालूम है? हम ही बताएंगे, हमसे बेटर आप जानेंगे। हम तो एक जो है विधानसभा में घूमते हैं, आपको तो ईश्वर ने बनाया है कि कई जिला घूमते होंगे, आपसे बेहतर हम थोड़े ना बता पाएंगे। क्या मैसेज देना चाहते हैं यहाँ के घोसी विधानसभा की जनता को? हम मैसेज तो जनता खुद मुझको दे रहे, मेरा चुनाव जनता लड़ रही है, कह नेताजी आप घर बैठे चुनाव हम भेजेंगे आपको, लखनऊ भेजेंगे।